नमस्कार, मैं डॉक्टर मयूरी कोठेवाला हूँ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी जयपुर से। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में। एक टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, किस कारण से होती है, किन किन में ज़्यादा चांसेस हैं एक टॉपिक प्रेगनेंसी होने के, उसके लक्षण क्या होते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए एक टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक टॉपिक प्रेगनेंसी होती क्या है। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसी है जो यूट्रस के बाहर लगती है। बच्चेदानी के बाहर अगर फर्टिलाइजेशन होके प्रेगनेंसी रुक जाती है तो उसको हम एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कह देते हैं। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कहीं पे भी लग सकती है, आपकी फलोपियन ट्यूब्स में रुक सकती है, ओवरीज में यानी कि अंडेदानी में भी रुक सकती है। अगर आपको पहले ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, सिजेरियन प्रेगनेंसी से बच्चा हुआ है, तो सिजेरियन का जो स्कार है उसमें एक्टॉपिक प्रेगनेंसी रुक सकती है। और पेट में कहीं और भी किसी और ऑर्गन से अटैच होके कई बार लीवर में, लीवर के नीचे या फिर आंतों से चिपक के भी प्रेगनेंसी ग्रो कर सकती है। तो इन्हीं सब को हम एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कह देते हैं। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है और इसमें आपको तुरंत ही मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत पड़ सकती है। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के साइंस और सिम्टम्स नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसे ही होते हैं। शुरुआती कुछ दिनों में आपको या तो कोई सिम्टम्स आते नहीं हैं या फिर जैसे आपके दिन चढ़ जाते हैं उसके बाद आपको नौजिया, जी घबराना, उल्टी आना, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी बड़ी होती जाती है, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं। मोस्ट कॉमन जो सिम्टम है वो होता है ब्लीडिंग, वजाइनल ब्लीडिंग और पेन। आपके दिन चढ़े हुए हैं और आप अगर आपको वजाइना से ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है और उसके साथ तेज दर्द होता है पेट में, तो ये एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का एक लक्षण हो सकता है। अगर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी को नेग्लेक्ट किया जाए, आप टाइम रहते ही ध्यान नहीं दें, आपने कोई फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपनी पहली सोनोग्राफी नहीं करवाई है जिसमें पता चल जाए कि प्रेगनेंसी जो है लोकेशन उसका नॉर्मल है, कि वो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है, और अगर प्रेगनेंसी बड़ी होती जाती है तो वो कॉम्प्लिकेशंस में रिजल्ट कर सकती है, जैसे कि रप्चर अगर वो आपकी ट्यूब्स में रुकी हुई है, ट्यूबल एक्टॉपिक प्रेगनेंसी जिसे हम कहते हैं, अगर वो बड़ी हो जाती है तो ट्यूब्स उसको बहुत दिनों तक सपोर्ट नहीं कर सकती। ट्यूब बहुत ही फ्रिजाइल, बहुत ही पतला स्ट्रक्चर होती है, तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है, ग्रो करती है, तो ट्यूब्स रप्चर हो सकती हैं। तो उस कंडीशन में इंटरनल ब्लीडिंग होना, पेशेंट का शॉक में जाना, काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है और उसको चक्कर आ सकते हैं, घबराहट रह सकती है, ये सारे लक्षण रह सकते हैं ब्लड की कमी की वजह से। तो बात करते हैं कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी किन कारणों से होती है या किन किन लोगों में एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा है। तो अगर कोई भी इन्फेक्शन है बच्चेदानी का, पेल्विस का, कोई भी इन्फेक्शन हो रखा है आपको पास्ट में या फिर बार बार इन्फेक्शन होते रहते हैं, वो एक कारण हो सकता है कि ट्यूबल डैमेज हो जाए। इन्फेक्शन्स जो है ट्यूब्स को डैमेज कर देती हैं, जिसकी वजह से ट्यूब्स, जो आपका एग डेवलप होता है ओवुलेशन के बाद, उसको ढंग से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते बच्चेदानी में, तो बीच में ही बच्चा लग सकता है ट्यूब्स में फंस के। ये एक कॉमन रीज़न है, जैसे कि टीबी हो गया या फिर अन्य कोई दूसरे इन्फेक्शन्स हो गए बच्चेदानी के और पेल्विस के, उन सब में एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कॉमन है। दूसरा कॉमन रीज़न होता है कि आपकी पहले कोई सर्जरी हुई है, पेल्विस में कोई सर्जरी हुई है, ट्यूब्स की सर्जरी है, या कोई गांठ के लिए सर्जरी हुई है, अपेंडिक्स के लिए सर्जरी हुआ है, या फिर किसी भी और रीज़न से अगर सर्जरी हुई है निचले हिस्से में पेट के, जिसकी वजह से आसपास के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें एडेशंस बन जाते हैं, जिसकी वजह से ट्यूब्स अपना काम ढंग से नहीं कर पाती, वो एग को ढंग से कैरी नहीं कर पाती, तो उस कंडीशन में भी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी रुक सकती है। इन दोनों मेन कारणों के अलावा और दूसरे कारण भी हो सकते हैं। अगर आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या आपकी एज 35 से ज़्यादा है तो भी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और दूसरे फैक्टर्स में आते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइस, यानी कि अगर कॉपर्टी आपने लगवा रखी है और उस टाइम पे कॉपर्टी फेल होके आपको प्रेगनेंसी रुकती है, तो वो प्रेगनेंसी भी एक्टॉपिक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। साथ ही में कोई आप बर्थ कंट्रोल पिल्स यानी कि गर्भ निरोधक गोलियाँ लेते हैं तो भी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी को डायग्नोस कैसे किया जाए,
कैसे पता लगे कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी है कि एक्टॉपिक है। जो इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल हमारे पास है वो है सोनोग्राफी या फिर अल्ट्रासाउंड। इसीलिए हम बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं, आपको बोलते हैं कि आप जैसे ही प्रेगनेंसी लगती है आप 1.5 महीने पे छठे हफ्ते के बाद आप एक सोनोग्राफी करवाइए। ये सोनोग्राफी को हम डेटिंग स्कैन कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट होता है देखने के लिए कि कितनी प्रेगनेंसी है, एक प्रेगनेंसी है कि आपको ट्विन्स हैं, ट्रिपलेट्स हैं, बेबी जो है वो नॉर्मल लोकेशन पे लगा है कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है, बेबी में हार्ट बीट आई है कि नहीं आई है, और उसके साथ कुछ और कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि कोई हैमरेज हो अंदर, ब्लड कलेक्शन हो या किसी और तरह की कोई दिक्कत हो, तो वो पता चल जाती है। तो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल है वो है सोनोग्राफी। लेकिन कई बार सोनोग्राफी पे दिखने से पहले, सोनोग्राफी की भी एक लिमिटेशन होती है, वो जो है 5 हफ्ते से पहले का प्रेगनेंसी नहीं दिखा सकती, तो हमें ब्लड टेस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। बीटा HCG जो हार्मोन रिलीज होता है आपकी प्रेगनेंसी से, उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि प्रेगनेंसी जो है वो हेल्दी है या नहीं है, प्रेगनेंसी नॉर्मल रेट से ग्रो कर रही है या एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। इन चीज़ों का आइडिया लगाने के लिए बीटा HCG का जो ब्लड टेस्ट है वो 2 बार रिपीट किया जाता है 48 आवर्स के गैप पे। जैसे कि आज हमने बीटा HCG का टेस्ट किया, उसकी वैल्यूज़ आई, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज आती हैं, 1000, 2000, 3000 ऐसे करके वो रिपोर्ट आती है। और 48 आवर्स के बाद यानी कि 2 दिन बाद हम वापस से रिपीट करते हैं उस टेस्ट को सेम टाइम पे, और उसमें बढ़त देखते हैं। अगर सपोज़ आपकी आज की वैल्यू थी 1000 और 48 आवर्स के बाद वो अगर डबल हो जाती है उसकी वैल्यू, तो मतलब वो हेल्दी ग्रोइंग प्रेगनेंसी है, नॉर्मल प्रेगनेंसी है। लेकिन अगर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है, मतलब डेफिनेटली वो ढंग से ग्रो नहीं कर पा रही है, वो बहुत स्लो रेट से ग्रो कर रही है, तो बीटा HCG की वैल्यूज़ डबल नहीं होती हैं, थोड़ा सा राइज होती हैं या फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड पे होती हैं या कांस्टेंट उतना ही उसके लगभग day 1 के आसपास ही वैल्यूज़ रहती हैं। वो सब डिपेंड करता है, वो सब डॉक्टर जो है वो इंटरप्रेट कर लेते हैं रिपोर्ट से और आपको बता देते हैं कि किसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ तक हमने बात की कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, किन लोगों में एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा है और उसको डायग्नोस कैसे किया जाए। तो बात करते हैं कि इसको ट्रीट कैसे करें, इसको मैनेज कैसे करें अगर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी डायग्नोस हो जाती है। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का जो मैनेजमेंट है वो या तो मेडिकल हो सकता है यानी कि दवाइयों से, इंजेक्शन से, या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। मेडिकल मैनेजमेंट के अपने लिमिटेशंस हैं, हर किसी को हम मेडिकल मैनेजमेंट नहीं दे सकते। मेडिकल मैनेजमेंट के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, अगर आप उन क्राइटेरिया में फिट होते हो तो आपको मेडिकल मैनेजमेंट दिया जा सकता है, ट्राई किया जा सकता है मेडिकल मैनेजमेंट से। अगर लेकिन वो भी फेल हो जाए तो अल्टीमेटली सर्जिकल ऑप्शन ही रहता है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में इंजेक्शन आता है मेथोट्रेक्सेट करके, जिसको अलग अलग डोजेज स्केड्यूल्स से डॉक्टर्स लगाते हैं। अलग अलग प्रोटोकॉल हो सकते हैं सबके अपने अपने, जिससे वो लगाना प्रेफर करते हैं, जिनसे उनको लगता है कि उनके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे हैं तो वो उसके हिसाब से उसको लगा सकते हैं। तो मेथोट्रेक्सेट का इंजेक्शन लगाने से पहले आपका एक बीटा HCG का टेस्ट किया जाता है, और लगाने के बाद 4 डेज बाद 7 डेज बाद वो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे, लेकिन उसको रिपीट भी किया जाता है बीटा HCG को, और फिर फॉल देखा जाता है कि बीटा HCG के जो लेवल्स हैं वो फॉल कर रहे हैं कि नहीं, एक इंजेक्शन से काम हुआ कि नहीं हुआ, हमें रिपीट करने की ज़रूरत है कि नहीं है, तो वो सब एनालिसिस करना पड़ता है। लेकिन मेथोट्रेक्सेट या फिर मेडिकल मैनेजमेंट को देने के लिए जो मैं कह रही थी कि लिमिटेशंस होते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपके जो प्रेगनेंसी का साइज़ है, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का साइज़ है, वो 4 सेंटीमीटर से कम है तो ही हम मेडिकल मैनेजमेंट देख सकते हैं। बेबी जो है उसमें हार्ट बीट नहीं आई हो तो मेथोट्रेक्सेट का इंजेक्शन दिया जा सकता है, या फिर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी अनकॉम्प्लिकेटेड हो यानी कि वो रप्चर नहीं हुई हो अभी तक, जो भी प्लेस पे वो है, जो भी लोकेशन में वो है, या वो ट्यूब्स में है, ओवरी में है, कहीं पे भी है, वो अभी रप्चर नहीं हुआ है, उसने आसपास के स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं किया है, अंदर ब्लड नहीं इकट्ठा हुआ है, जिसको हम हीमोपेरिटोनियम कहते हैं, वैसा कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं हुआ है, तो ही हम मेडिकल मैनेजमेंट के साथ जाते हैं।
अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो चुका है, ऑलरेडी एक टॉपिक जो है कॉम्प्लिकेट हो चुकी है या फिर रप्चर हो चुकी है, उसमें हार्ट बीट आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रेगनेंसी है, 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा है, पेशेंट के वाइटल्स यानी कि बीपी पल्स स्टेबल नहीं है, वो उसको चक्कर आ रहे हैं, बेहोश हो रहा है, उसका बीपी कम हो रहा है, तो ये सारे साइंस सिम्टम्स होते हैं इमरजेंसी के, जिसमें हमें इमरजेंसी में इमिडिएटली पेशेंट को ऑपरेट करना पड़ता है। फिर हम इंजेक्शन के रिस्पॉन्स आने का वेट नहीं कर सकते, रादर इंजेक्शन काम भी नहीं करते। तो ये सारे इंडिकेशंस होते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के। सर्जिकल मैनेजमेंट में अगेन डिपेंड करता है कि कितना डैमेज है आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं। सपोज ट्यूबल प्रेगनेंसी है, ट्यूबल एक्टोपिक है, तो उसमें ट्यूब को डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर डैमेज हुआ है तो पूरा डैमेज हो चुका है, उसको बचाया जा सकता है कि नहीं जा सकता, उन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा सर्जिकल मैनेजमेंट में भी कि क्या क्या किस टाइप से हम उसको ट्रीट करें। जैसे कि पूरी, कई बार सेल्फ इंजेक्टमी करनी पड़ती है, यानी कि पूरी की पूरी ट्यूब निकालनी पड़ती है जब किसी एक ट्यूब में प्रेगनेंसी लग जाती है। तो दूसरा तरीका हो सकता है सर्पिंगोस्टमी, जिसमें हम एक छोटा सा होल बना के ट्यूब में और जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी एक्टोपिक टिश्यू है, उसको हम सक्शन आउट कर लेते हैं और वापस से ट्यूब को वहीं इंटैक्ट छोड़ देते हैं, ट्यूब को हम नहीं छेड़ते और फ्यूचर में उस ट्यूब से प्रेग्नेंट होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि आपके करंट स्टेटस क्या है, किस स्टेज पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, किस स्टेज पे उसको ऑपरेट किया जाता है, जो अपोजिट ट्यूब है, जो हेल्दी ट्यूब है, नॉर्मल ट्यूब है, वो कैसी है, वो फंक्शनल है कि नहीं है, या वो भी अगर पहले से ही ब्लॉक्ड है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि एक ट्यूब जिसमें भी एक्टोपिक लगा है उसको भी हम बचाएं किसी भी तरीके से। और अगर दूसरी ट्यूब एकदम हेल्दी है और एक ट्यूब एक्टोपिक से सेक्रीफाइस हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, तो हम ये प्रेफर करते हैं कि उस ख़राब ट्यूब को पूरा का पूरा निकाल दिया जाए, ताकि आगे चल के फ्यूचर में प्रेगनेंसीज में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, वो वापस से एक्टोपिक प्रेगनेंसीज में रिजल्ट ना करें। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जिन भी महिलाओं को एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, वो हमेशा उनके माइंड में ये स्ट्रेस रहता है कि फ्यूचर प्रेगनेंसी का क्या होगा, आगे चल के फ्यूचर में तो कोई एक्टोपिक होने के चांसेस हैं या नहीं है। तो देखिए, अगर आपको एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कारण अंदर है। आपके जो पेल्विस है उसमें जो भी मैंने कारण समझा है, पेल्विक के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ट्यूबल डैमेज या कोई और जो भी रीज़न से एक्टोपिक एक बार लगी है तो वो दोबारा भी लग सकती है। डेफिनेटली एक बार अगर आपको पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रखी है तो सेकेंड बार, थर्ड बार भी प्रेगनेंसी में चांसेस हमेशा रहते हैं एक्टोपिक होने के। नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको दोबारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। तो इसका कोई तोड़ नहीं है, ऐसा नहीं कि आप कुछ करें या आपको कुछ ऐसे पहले से ट्रीटमेंट दे दिया जाए जिससे एक्टोपिक ना हो। आपको बस ध्यान रखना है, एटलीस्ट 3 मंथ्स का गैप तो देना ही है आपके पिछले प्रेगनेंसी में और फ्यूचर जो भी आप प्रेगनेंसी प्लान करते हो उसमें, कम से कम 3 महीने का गैप होना चाहिए। और उसके बाद भी जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं, आपको इमिडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर कोई ऐसी बीमारी है, कोई इन्फेक्शंस हैं, आपको ऑनगोइंग इन्फेक्शन है, टीबी है, तो उसका ट्रीटमेंट पहले एडवाइस होता है कि पहले आप उसका ट्रीटमेंट पूरा करिए, ताकि जो भी ट्रीटेबल कॉजेज़ हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के वो हम ट्रीट कर दें और फिर आप प्रेगनेंसी प्लान करें। लेकिन फिर भी चांसेस डेफिनेटली ज़्यादा रहते हैं रिपीट एक्टोपिक के, तो इसीलिए कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना उसको। अगर आप दोबारा रिपीटेडली मतलब प्रेग्नेंट होते हो, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है और उनको बताना है कि पहले वाली प्रेगनेंसी में आपके एक्टोपिक था। तो वो पूरे टेस्ट करते हैं जल्द से जल्द पता करने के कि ये जो प्रेगनेंसी आपको लगी है वो हेल्दी है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, कैसे होता है, क्या रीजंस रह सकते हैं उसके होने के, क्या उसके साइन सिम्टम्स होते हैं, कैसे उसको डायग्नोस किया जाता है और क्या उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट या मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपके किसी काम का रहेगा और आपको पसंद आया होगा। आपको ऐसे वीडियोस अगर फ्यूचर में भी देखने हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, वुमेन हेल्थ से रिलेटेड, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।